मंजिल के मंजिल को पा लेने के न सिर्फ उनके अंदर अज़्म है बल्कि हौसला भी है। एक ऐसा सालार हमारे साथ है कि अगर हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे जाएगा। इसको जिस राह पर सर आपने उस्तवार किया है हम इसको आगे लेकर जाएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEO वजीर अहमद आगा साहब से दरख्वास्त करूंगी कि सर प्लीज आए और अपने ख्याल का इजहार करें। वजीर अहमद आगा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त के दौरान में गुंजाइश बहुत कम है और रहीम यार खान की धरती और रहीम यार खान में बसने वाले ये अफीसरान जो भी आए उनको इज़्ज़त और एहतराम इसलिए भी कि ये खुद इज़्ज़तदार लोग हैं और इंसान वही चीज़ तकसीम करता है जिसकी वाफिर मिकदार उसके पास मौजूद होती है। तो अपने लिए ताज़ा बजाए कि आपने हर आने वाले को और हर जाने वाले को इज़्ज़त बख्शी और स्पेशली चौधरी मसूद साहब के लिए कि इन्होंने पूरा दीवान पढ़ा और आज मैं दीवान लाया था वो दीवान आपको सुनना होगा, आज नहीं सुनूंगा इससे पहले कि राजदा फिर अटैक करे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मेहर सिराजुद्दीन साहब का कि जब मैंने अपने भाई को गुजारिश की कि मेरे भाई मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफीसर आना चाहता हूँ तो इन्होंने कहा कि आप CEO आ जाए। मैंने कहा आपकी इजाज़त है, इन्होंने मुझे इजाज़त दी, एक दिन इजाज़त दे दी, दूसरे दिन मैंने ट्रांसफ़र करा लिया। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, शुक्रगुजार हूँ और आप सबकी तरफ से आप हमारी तरफ से मोहब्बतें लेकर गए हैं। अल्लाह करे आपको राजनपुर की मोहब्बतें नसीब हों और रिहाना की मोहब्बतें जिनके हम हमेशा से तलबगार हैं हमारे हिस्से में आ जाए। थैंक यू। बहुत सर खिताब किया वज़ीर अहमद आगा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान गिरामी का। ये तमाम जो हमारी यहाँ पे सरगर्मियाँ और ये जो रौनकें होती हैं ये सीनियर स्टाफ की तरफ से होती हैं। कोई सर्विस पे आ जाता है, कोई डीप स्ट्रक्चर चला जाता है, इन्हीं का फाइनेंस होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब भी जिस तरह की भी हमने कोई प्लान किया सारी सीनियर स्टाफ में हमारा ताउन हमारे उनके साथ रहा। चारों तहसीलों से लियाकतपुर से आए हुए लोग जो कि रात के टाइम भी यहाँ पे सादे कबाद लियाकतपुर खानपुर तो सब मुस्तहिक हैं। ये सारी जो रौनकें हैं ये सब आपके दम से हैं। बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है, आप लोग तशरीफ ले जाओ। खवातीन के लिए टीचर टेबल्स हैं तो आप लोग खाने के लिए। बहुत शुक्रिया। तकरीब इख्तिताम पज़ीर होती है, अब खाने का वक्त होता है। हमेशा तमाम लोगों का एहतराम करते हैं। वेल डन जहांदेव, वेल डन। ताजमहल मार्की में पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से वज़ीर अहमद आगा साहब और महर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब के एजाज़ में ये तकरीब मुनक्कद की गई। हाल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, खूबसूरत मार्की, खूबसूरत प्रोग्राम। और रिटायर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब चौधरी मसूद अहमद साहब को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है और अब यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया है, बूफे लगाया गया है यहाँ पे, खाना लगाया जा रहा है। सीनियर अफसरान तालीम फरमा है। तो सर तारे से फिर थोड़ा जा फर्क
हाजी फसीह साहब और जहाँ साहब ने बहुत खूबसूरती से इसका इंतज़ाम किया तकरीब का, ख्वातीन के लिए अलहदा से सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। सीनियर हेडमास्टर्स, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ताजमहल मार्की में बहुत खूबसूरत हाल और बेहतरीन इंतज़ाम। हम थोड़ा सा आपको इस मार्की का व्यू दिखाते हैं, ताजमहल मार्की का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। हम थोड़ा बाहर की जानिब चलते हैं। ये लॉबी है, रात का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत मार्की और यहाँ पे इंतज़ाम हैं। अंदर का व्यू थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं। ये लॉबी है जी, मलिक का कमरा जात है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत हाल, ये गैलरी है जी, यहाँ से दाखिल हुए हम सब लोग, कहाँ से चलते हुए हम अच्छी जगह का इंतज़ाम किया गया इस तकरीब के लिए। ये हाल का आपको व्यू दिखा रहे हैं, तकरीब इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है और शुरका हाज़रीन इस वक्त खाने के लिए दूसरी समत जा चुके हैं। खाने का इंतज़ाम है जी, तो हमें भी भूख लगी है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया जी।